चार दिन चार दिन दिल्ली वालों में शायद सनी आ रहा। विल बी बैक ऑन बिग बॉस आपके के बाद सब रोए थे जिनके साथ लड़ाई हुई और जिनकी वजह से आपको किया वो तक बहुत रोए तो क्या वो फेक था या रियल मैं नाम लेना है आपने दूसरा नाम लिया मुनवर का

सत्रह के अंदर तीन नाम बताएं मैडम अब सारे खुलासे मत कराओ विनर बताओ हेलो 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 एवरीवन यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नाम दियो दिल्ली का चैनल है और दिल्ली वालों का फेवरेट ना है ऐसा हो सकता है तो आज हमारे खास शो में आप सभी का फेवरेट खासकर दिल्ली वालों का फेवरेट आज हमारे साथ जुड़ रहा है और दिल्ली में ऐसा तहलका मचाया इन्होंने और ये तहलका इतना ज्यादा मचाया कि सीधा इनको बुलावा आया बिग बॉस से बिग बॉस सीजन 17 में इन्होंने तहलका मचाया और काफी पसंद भी किया लोगों ने लेकिन वहां पर जो तहलका था वो शायद उनको उल्टा साबित हो गया और उसके कारण जो है उनको एविक्ट होना पड़ा लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर उनके एविक्शन के बाद सिर्फ एक ही चीज ट्रेंडिंग हो रही है

रूपला से तो रुसला तरबला क सोलकत बला क सुरत वाला सुरतूर को तो तलो तो बला तरबला क मोर आप देख रहे हैं

भाषा का मीनिंग मीनिंग भी है ना मीनिंग क्या है ये भी बता आगा। आगा। दो हां रूप्लास उतरेगा अनुशोका रुतवलास रुतवलास एंकर रुतवलास इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं न्यूज़ 24 में आपका नाम बहुत तगड़ा चल रहा है थैंक यू सो मच सनी अच्छा सनी अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है #ट्रेंडिंग चल रहा है वी वांट सनी आर्या बैक तो वी वांट सनी आर्या बैक क्या सनी आर्या विल बी बैक ये तो समय बताएगा मैडम तीन चार दिन में कोई घंटी बजती है कोई मेल आती तीन है तीन चार दिन दिल्ली वालों सुन लो तीन चार दिन में शायद सनी आर्या विल बी बैक ऑन बिग बॉस आपके एविक्शन के बाद सब रोए थे जी। जिनके साथ लड़ाई हुई और जिनकी वजह से आपको एविक्ट किया वो तक बहुत रोए तो क्या वो फेक था या रियल मैं नाम लेना चाहूंगी अभिषेक के आंसू फेक थे या रियल देखो जी पहले रोने की बात पे हम बात करते हैं सलमान सर के पास जब मैंने एंट्री करी जब शो की शुरुआत हुई थी सलमान सर के पास मैं खड़ा सलमान सर ने एक मेरे से बात पूछी थी कि तहलका यहाँ पे तीन ऑप्शन है दिल दिमाग और दम किसके साथ तू जाना चाहेगा मैंने कहा सर मैं दिल वाला बंदा हूँ दिल के साथ एंट्री मारना चाहूँगा मैं तो दिल वाला बंदा दिल ऐसा दिल लेके अंदर बैठा हुआ था कि सबके दिलों में मैंने राज किया आपने देख लिया होगा कि सोलह सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ मेरे को बाहर के लोगों ने बताया मीडिया ने बताया कि भाई कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि घर का हर एक सदस्य रोया हो तो दिल वाला बंदा था दिल में जगह बना कर गया मैं इसलिए सारे बंदे इमोशनल हुए कि भाई कहीं ना कहीं मैंने उनका दिल बड़े लेवल पर जीता था जो इनको इतना इमोशनल होना पड़ा इतना वो फील करके बैठ गए कि भाई तैलका जा रहा है इसलिए आपको पूरा घर का जो माहौल देखने को मिला रोज सारे तो बंदे रोए तो अभी तक हैश ट्रेंडिंग चल रहा है वांट सनी बैक और रही बात अभिषेक की जो रह गई एक उसकी जो कुछ हरकतें ऐसी थी लाइक आप बिग बॉस की शुरुआती दिनों की बात आपके आगे रखूंगा मैं कि उससे मैच करूंगा जब अपने वर्ड बोला ना कि वो बंदा क्योर होया फेक था और रियल था उसको मैं अटैच करूंगा मैं शुरुआती दिनों में उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि जैसे मैंने एक दिन मेरी लड़ाई, लड़ाई हुई थी किचन के अंदर तो मैंने कुछ सामान फेंक के मारा था उसके अंदर चाकू नहीं था उस बंदे ने उसको चाकू बना दिया कि मेरे को बिग बॉस चाकू लगते लगते बचा मैं मरते मरते बचा तो बिग बॉस ने बोला कि जो तुम चीज़ें विषय की कर रहे हो चीके मार रहे हो उसके अंदर जबकि चाकू था ही नहीं घर वाले भी देख रहे हैं उसके अंदर चाकू है नहीं तुम चाकू का नाम क्यों ले रहे हो तो वहां से मेरे को उसका असली चेहरा पता लगा था कि उसको कैसे कैमरे से प्यार है okay. किस तरीके से कैमरे में हाईलाइट होना चाहता है कैसे वो भारत की जनता के सामने चमकना चाहता है तो उस उस चीज़ को आप मैच करो और इस चीज़ को आप मैच करो तो समझ जाओगे कि उसको कैमरे से बहुत तगड़ा प्यार है हाँ आखिरी टाइम पे जब मैं निकल रहा हूँ तो मेरे को लगा कि हाँ भाई उसकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मेरे को वो फेक नहीं है उससे कुछ घंटे पहले जो माइक उतार के फेंक रहा है वो और वो ये कह रहा है कि मेरे को इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए वहाँ तक तो इंसाफ हाँ, मांग रहा है वो जय हाँ छी मार रहा है और जो अपनी नशे ऐसे खींच रहा है गले को दबा रहा है कि मेरे को इंसाफ़ नहीं मिलेगा तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा वो सब चीज़ें एक तरफ कर दो आप उसके बाद उसका रोना तो वो मेरे को भी समझ नहीं आया कि पहले तो इंसाफ की बातें करता फिर वो कहता मत भेजो मत भेजो तो ये चीज़ तो सलमान सर भी इसको कई बार बोल चुके हैं कि तेरे दो चेहरे हैं कि तू कहता कुछ हो रहा है करता तू कुछ हो रहा है तेरा अब तक किसी घर वालों को समझ नहीं आया सबसे बड़ी बात सलमान सर ने वीकेंड के बारे में भी लेटेस्ट बोली है कि घर के अंदर अगर कोई नकली बंदा है नकली बंदे का अवार्ड किसी को दिया जाए तो अभिषेक है अभिषेक को तो ये रोने वाला मैटर मेरे को भी समझ नहीं आया कि पहले भाई मेरे को इंसाफ चाहिए इस बंदे ने ये किया वो किया अच्छा एक दिन पहले उसकी मैं ये शर्ट को पकड़ता हूँ एक दिन पहले बंदा मैटर को भूल भी जाता है रात को सो भी, है। सो भी जाता है लेकिन अगले दिन उठ के फिर नसों को चीके मारना, जिस बंदे को अगर दर्द हुआ है, दुख है किसी को हानि पहुंची है तो को को मौके भी करेगा। कोलर खीची, वहाँ पे वो को हंगामा करेगा लेकिन चौबीस घंटे का वेट भी कर लेता है वो तो ये मेरे को समझ से बना की नजर में फेक है सलमान सर ने बोल दिया ना नकली अवार्ड किसी को मिले तो इस बंदे को मिलना चाहिए सलमान सर ने मेरा थी मेरा थी। ये टॉपिक भी उठाया था मेरे निकलने के बाद जब करण जोहर सर आए थे नेक्स्ट वीकेंड के बारे में सलमान सर ने एक जिक्र भी किया था कि भाई तू ये कर क्या रहा है तू कहना क्या चाहता है करना क्या चाहता है एक तरफ तू चीखे मारता है मेरे को इंसाफ चाहिए तो वो मेरी क्लिप भी दिखाई थी अब देखना उस क्लिप को खोलकर कि सलमान सर को भी मतलब ये सब चीजें क्लियर नजर आई कि ये बंदा ये बंदा जो कर रहा है सारी फेक हरकतें कर रहा है इसका समझ से मैटर बाहर है तो हल्का क्या लगता है ग्रैंड फिनाले में टॉप फाइव टॉप फाइव का तो नहीं पता लेकिन तीन के अंदर तो अंकिता लखंडे मैं मैं ही बोल देती हूँ अरुण चलो अंकिता लोखंडे और अपना दूसरे नंबर मुनवर तीसरे नंबर मेरा अरुण भाई जिस अगर वो सही चला इमोशनल नहीं हुआ क्योंकि अगर वो अपनी पे आ जाता है अगर वो गेम को खेलने के लिए वो समझ जाता है कि भाई तहलका को एक तरफ कर दो तो, क्योंकि बार बार मेरे को याद करता मिस करता है परिवार को याद करता मिस करता है अगर वो गेम को हल्का परिवार को हल्का साइड में कर देगा तो मैटर को ऐसे हिला सकता है कि तहलका तगड़ा बच जाएगा बिग बॉस के अंदर कि अरुण भाई को टॉप टीम में देख लो क्या तो, yes. तो yes. 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 तो पलटा yes. तो अभी तो खैर वो इतने इमोशनल दूसरा रियल गेम खेल रहे हैं वो उनका फेक ही चल रहा है अभी देखो फेक तो सामने आ गया ना मैडम अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था भारत की जनता भी फेक का टैग लगा चुकी है कि भारत की जनता में जहाँ बंदा जो राज कर रहा है एक कमरे के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सौ लोग बैठे हैं पचास लोग तुरंत एक सीन सामने आता है कि एक लड़की की एंट्री होती है सौ लोग अभी तक तो, तो प्यार कर रहे थे मुनवर को भाई मुनवर आ गया मुनोवर आ गया मुनवर आ गया अचानक से आयशा की एंट्री, एंट्री होती है आयशा कई बड़े बड़े खुलासे कर देती है फिर भारत की मीडिया जो बाहर उनकी गर्लफ्रेंड बैठी है उनके खुलासे कर देती है तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे सौ लोग उनको प्यार कर रहे थे अभी तो पचास लोगों का साठ लोगों का नजरिया तुरंत बदल जाएगा तो यही भारत देश में चल रहा है इस टाइम की मनोवर को जो प्यार करने वाले लोग थे वो वो जो चीज़ें वो बढ़ गई हैं कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है अब तक ओके रिपोर्ट चल रहा था सब कुछ ठीक था लेकिन बिग बॉस ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तगड़े तगड़े खुलासे देखने को मिल जाते हैं और जो आपको देखने को मिल रहे हैं तो खुलासा उनका हो चुका है और कुछ जनता उनको प्यार कर रही है कुछ वही जनता उनको कुछ जो जनता में बैठी है वो कह रही है कि भाई ये बंदा फेक है साइड में किया जाए तो हो सकता है उनका जो प्यार जनता के प्रति था और जनता उनको जिस तरीके से प्यार कर रही थी कुछ लोग डाइवर्ट होकर किसी और पे जा सकते हैं अंकिता लोखंडे पे भी जा सकते हैं विक्की पे भी जा सकते हैं तो अभी अभिषेक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया ईशा के प्रति जो नहीं करना चाहिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर इतना बड़ा शो है भी उनको डाट लगा कि भाई तू रात को कहाँ दिन में कहाँ जाती है मेरे को पता तू इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करती है तो वो बंदा कहाँ तक गिर सकता था वो गिर गया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो कहता था ऐसे में ईशा हाथ भी उठाती ना तो सलमान सर उसे कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते लेकिन वो बंदा भूल गया कि मैं कहाँ किस कि शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वही बंदा था जो कहता था कि मैं यहाँ पे ईशा के लिए लोहे लूँ बाकियों लिए। के लिए मतलब मेरे को बाकी बंदे समझ नहीं आते वो बंदा कितना गिर सकता है उस बंदे ने अपनी छवि वहां दिखा दी वो शब्दों का इस्तेमाल करके भारत की जनता ने समझ लिया कि वो बंदा कितना गिर सकता था एक लड़की के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था उसने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में माँ है बहने हैं लेकिन अब आप धीरे धीरे देखो आगे होता है क्या दिल्ली वालों सनी आर्या बताएगा बिग बॉस का विनर है कौन अंकिता लोखंडे अंकिता लोखंडे hmm. तो देखते हैं क्या होता है कि अंकिता विनर रहती हैं इस सीजन का खिताब जाती हैं साथ ही साथ इन्होंने कुछ हिंट दिया कि शायद इनकी वापसी हो सकती है तो देखते हैं दो तीन दिन में क्या होता है कि हैश टैग वी वॉन्ट सनी आ बैग जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे और सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तो वो देखने वाली बात होगी कि अगर सनी की एंट्री हुई तो बिग बॉस का गेम पलट सकता है या यू कह सकते हैं कि अंकिता की जगह बिग बॉस का खिताब सनी आर्या ले सकते हैं उर्फ तहलका भाई तहलका प्राइम तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप चाहते हैं सनी आर्या को वापस बिग बॉस में देखना और इस सीजन का खिताब कौन जीतेगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं साथ ही साथ हमारे चैनल दिल्ली ट्वेंटी को सब्सक्राइब करना ना भूले तहलका अपने दिल्ली वालों से कह दो प्लीज बेशुमार प्यार दो हिंदुस्तान का नंबर वन चैनल है और तगड़ा प्यार बनाए रखो न्यूज़ ट्वेंटी फोर देखते रहो और तहलका यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्योंकि भारत का नंबर वन चैनल है न्यूज़ ट्वेंटी फोर थैंक यू